प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर बुधवार को आदिवासी सशक्तिकरण के लिए पीएमपीवीटीजी विकास मिशन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में आज करेंगे रैली। उत्तरकाशी में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से उसमें फंसे 40 श्रमिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित बाहर निकालना। उत्तरकाशी सुरंग हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग हादसे में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 5 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर हैं। यहां ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्ले वर्ली से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योगी सरकार अयोध्या को देगी 4 लेन की सौगात। 200 करोड़ की लागत से बनेगा 12 किलोमीटर लंबा लक्ष्मण पथ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर एंटी स्मॉग मशीनें तैनात की गई हैं। मथुरा में धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण मंदिर के लिए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। राजनीतिक सवालों का नहीं दिया कोई भी जवाब। चित्रकूट में लठमार दिवारी खेलने का विशेष चलन है। बुजुर्ग, बच्चे एवं युवाओं के थिरकते कदमों के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को देखने उमड़ी भीड़। बुंदेलखंड के हमीरपुर में द्वापर युग से चली आ रही दिवारी और मौनियों की परंपरा आज भी जीवंत। मौन पूजा के साथ बुंदेली विश्व प्रसिद्ध मौनियों और दिवारी नृत्य की परंपरा ने किया आकर्षित। अक्टूबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन दर गिरकर 4.87% हो गई है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार भव्य रूप से आयोजित किए जा रहे इस मेले में 13 देशों के प्रदर्शक हिस्सा लेंगे और मेले की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। मेरठ में प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना से सरकारी विद्यालयों की सूरत बदल रही है। अब विद्यालयों में छात्र छात्राएं जमीन पर नहीं मेज कुर्सी पर बैठकर कॉन्वेंट स्कूलों की तरह हिंदी, गणित और अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुंडा में घनश्याम महाराज स्वामी नारायण की जन्मस्थली छपिया में 32 मिष्ठान का भोग लगाकर अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। मेले में जिले व आसपास के जनपदों से भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज श्रद्धाभाव के साथ की जाएगी गोवर्धन पूजा। श्रीकृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का है विशेष महत्व। मथुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वाराणसी में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा समिति द्वारा 50 वर्षों से निकाली जा रही गोवर्धन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा लोहारा वीर हाथवा मार्केट से चलकर नमो घाट पर जाकर संपन्न हुई। कोहरे की आशंका में रेलवे ने 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक 20 जोड़ी ट्रेनों को किया रद्द। सभी ट्रेनें मुरादाबाद और इज्जतनगर मंडल से होकर गुजरती हैं। 29 नवंबर के बाद की टिकट बुकिंग भी बंद है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष के 38वें दिन भी लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ होगी। न्यूजीलैंड ने लगातार 4 मैच हारने के बाद श्रीलंका को पटखनी देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।